हमारे जलते चिराग, हमारे नेविगेटर हमें जोर से बहुत आगे ले आए हैं। हमने तो किसी जंगल अंगल के बीच में पहुंचा दिया दोस्त। भाई लोग, वेलकम टू माय बैट केव। और बाइक हो गई है वार्म अप अपनी जार्विस। और आज मैं बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ एक राइड पे। फाइनली निकले हम हमारी बैट केव से। पहली बार समय पे है ये बंदा। कैसा है काके? स्पार्टन पे सचिन, मैं अपनी रामप्यारी पे। इन लोग जो पहले यार, मैं इसके रबर फुट पैक्स निकाल देता हूँ। ये डिक्की का फायदा यही है बस एक, कि कचरा जमा करते जाओ। ओ देख रहे हो जलवे बहा के। ना मेरी बाइक में पेट्रोल पूरा है, ना सचिन की बाइक में पेट्रोल पूरा है, तो हम दोनों पहले पेट्रोल भराते हैं। दीजिए अब पटाखे मार रहे हैं पटाखे। देखो टिमटिमा रही है स्पार्टन। सुबह सुबह की हालत देखो भैया बम्बई की, कैसे आदमी राइड पे जाएगा। काफ़ी देर से भसड़ में ही है, तो आई थिंक सो मैं पहले इस भसड़ से निकलता हूँ, फिर ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत टोचन हो गया है सुबह सुबह। अरे यार मस्त धुंध है यार रास्ते में मस्त। तो सुबह सुबह का अपडेट है ये भाई लोग कि हम लोग बड़ी अच्छी ब्रिस्क पेस 80-85 की स्पीड पे मैं और सचिन क्रूज कर रहे हैं। हैंग हो गया दूसरो, बहुत नौटंकी है यार इसकी, बहुत ज़्यादा। बकवास कैमरा है बकवास, मत खर्चा करो गोप्रो पे। साला दूसरी बार हैंग हो गया है। सब मेरे गोप्रो को तो लगन के टाइम पे पॉटी आ जाती है। ये 5 मिनट में दूसरी बार हैंग हुआ है। कंप्लीट फालतू गिरी है भाई, सच अ एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट और माल फंक्शन करता रहता है। हेलो नोमैड्स एंड वेलकम टू नोमैड सैम। और आज हम लोग एकदम मस्त मस्त ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रकें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल जौहर की तरफ। तो आज फाइनली सुबह 1:30 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया, और मैंने सचिन को फ़ोन करा, मैंने बोला भाई जाने का टाइम आ गया है। कोई क्लाइंट का फ़ोन कॉल नहीं आया अभी तक। सुबह 5:30 के निकले हुए हैं, एंड आप देख सकते हो कि मौसम के हालात काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है जार्विस पे। आप लोग भी काफ़ी दिनों से जार्विस नहीं देख पाए थे, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे भी बहुत 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 मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है साइडवेज, तो बाइक को ऐसे ऐसे थपेड़े आ रहे हैं। तो आज की राइड का खास यह है भाई कि कोई एजेंडा नहीं है। खूबसूरत वादियां है दोस्तों। हम दोनों रैंडमली इधर कहीं रुक गए यार, फोटो वोटो लेने के लिए कातिल जगह है। तो भाई अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स अवे फ्रॉम जौहर। इट्स नॉट अ प्लेस विच इज़ वेरी फार आउट। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करेंगे, फोटो खींचेंगे, थोड़ी रोजी रोटी भी कमानी है ना भैया। हम हर आधे घंटे में रुक रहे हैं क्योंकि हम लोग भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग राइड पे निकले हैं। तो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से और आगे का एक्सप्लोर करते हैं जहाँ हमें एक्चुअली जाना है। चल सकते हैं सर? या तो उधर एक बंगला बना लेते हैं, अपन सेटल ही हो गए हैं इधर। व्हाट अ व्यू भाई, इसकी फीलिंग तो यार आपको जब आप इधर आओगे बाइक पे आओगे तो ही आएगी। हसीन वादियां है दोस्तों। मैं और सचिन तो टोटल टाइम पास कर रहे हैं। हमारे जलते चिराग, हमारे नेविगेटर हमें जोर से बहुत आगे ले आए हैं। कितना आगे आ गए हम लोग, 1 घंटे का 1 घंटा और दिखा रहा है।
मस्त है, शायद जॉर्ज पहुंचे ही नहीं आज हम लोग। कहाँ पहुंच सकते हैं हम बता, यहाँ से बैंगलोर कितना दूर है बता। जान तू ले चल यार, क्या फर्क पड़ता, चल आजा आजा, चल वहीं पे चलते हैं। लोड ना ले, लोड ना ले। तो हमारे चीफ नेविगेटर साहब ने 15 किलोमीटर का एरर कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, तो वी माइट एज वेल एंजॉय। जौहर देखा हुआ ही है, हुआ तो जौहर पहुंच जाएंगे, नहीं हुआ तो जौहर नहीं पहुंचेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, देख लेते हैं। राइट नाउ इन द एक्सप्लोरेटरी मोड, अभी मेरे को फिलहाल कोई टेंशन नहीं है सर, एज आई एम ऑन द बाइक। छोटा सा डिटूर कितना अच्छा रहता है, देखो हम हिमालय के बीच में आ गए हैं। वहाँ पे है कुमजुमला पास। मैंने वैसे ग्लव्स निकाल दिए बाय द वे, क्योंकि हम इतनी बार रुक रहे थे, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैंने ग्लव्स निकाले हैं। तुमने तो किसी जंगल अंगल के बीच में पहुँचा दिया दोस्त, दोस्त। मस्त सड़क है, लेकिन बॉस मैं बता रहा हूँ, कभी कभी खराब भी अच्छे के लिए होता है। क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है, ओ शिट। क्या भाई लोग एक्सीडेंटल फाइंड देखो सचिन की, मस्त जगह पे आ गए। क्या सचिन, क्या सोचा है तूने यार, क्या रूट बनाया है? ये पता था मुझे ना। अच्छा तेरे को पता था, ओ इसको सब पता होता है, ये गूगल का बच्चा है। क्या दिख रही है फेस ऑफ। समय का पूरा विनाश करने के बाद और बहुत सारे 360 डिग्री शॉट लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं खोडाला की तरफ। हम लोगों ने डिसाइड किया है क्योंकि नियरेस्ट खाने का पॉइंट वहीं है। वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर और नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन जगह एकदम जाबर है बॉस, सो समटाइम्स कुछ गलतियां अच्छी भी पड़ जाती है। Looking brilliant यार, आप भी लुत्फ लीजिए इन वादियों के। बता रहा हूँ बॉस, इन जगहों का जाने का मजा तो भैया जार्विस पे ही है, बहुत मजा आता है। अरे देखो ये स्ट्रीम, इन जगहों पे जाने का मजा तो जार्विस पे ही है। यू नो यू आर एट योर मोस्ट कम्फर्टेबल बेस्ट, एंड एकदम हौली हौली जा रहे हैं, देयर इज नो रश। खूबसूरत बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, मस्त। इधर एक वाटरफॉल दिख गया, वो देखो छोटा सा जो भी है, मतलब इसको वाटरफॉल कहे जो भी कहे, पर दिख गया। जौहर क्या दिखता है रे। ये रहा जौहर भाई। लोकेशन 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 तो देखो भैया, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज, बीच में से नदी जाती है। तो भले ही हम जौहर नहीं पहुंचे, पर हम ठीक ठाक जगहों पे पहुंच रहे हैं, तो इतना कोई बुरा नहीं है बॉस। बता दो इस वाटरफॉल का नाम क्या है। ओहो स्लिप स्लिप, एक्चुअली मोटरसाइकिलिंग बूट्स के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उधर हमारी बाइक से दाबोस आपको नजदीक से दिखाया। अरे यार एकदम यही है दाबोसा, आगे से इसका नाम दाबोसा, सिमिलर नाम है। दोगा वाटरफॉल, दोगा दोगा। सचिन ज्यादा खुजली में मत आ। हाँ मतलब इधर फॉर्मल को जगह नहीं बैठने की, आ जा। बहुत अच्छा लोकेशन है, क्या ढूंढने हैं सर, अब क्या ढूंढने हैं सर। ये तो मुझे यहाँ से नयागरा फॉल दिख रहा है। देखो जोक्स असाइड, सचिन एकदम मस्त जगह पे लेके आया है। थोड़ा भूला भटका पहुंचे हम लोग, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट। वी आर नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन वी प्लान फॉर, बट दिस इज स्टिल टू गुड। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड। कोई ऐसे पक्का मुझे कहीं रुकना नहीं था, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं जाना था, मुझे ऐसे बस एक्सप्लोर ही करना था, बेसिकली आप लोगों के साथ बकचोदी करनी थी।
ये जगह पे हम लोगों ने अपनी यादगार बनाई है। एक्चुअली गर्मी बहुत बढ़ गई है, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था इतनी गर्मी हो जाएगी। तुम लोगों के मुंह से झाग निकलने वाली है बॉस। ओ हो क्या दिख रहा है यार। हाँ देखो एक छोटा सा पुल है, वहीं से शायद हम लोग आए भी हैं। और बारिश में पूरा एरिया फॉग फॉग जैसा हो जाता है सचिन के हिसाब से। थोड़ी गर्मी कम होती, मैं तो अपने राइडिंग सूट में कुक हो रहा हूँ इस समय, कुक स्लो बर्नर पे हूँ। वाह ये कुछ स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा है यार। क्लियर व्यूज नहीं है यहाँ से, लेकिन इधर आके देखोगे तो मतलब बारिश के सीजन में इट्स लुकिंग लाइक स्विट्जरलैंड। हाँ यार पानी पीते हैं, बहुत डिहाइड्रेट हो गया। आज मैं अपना हाइड्रेशन पैक भी नहीं लाया हूँ। हम लोगों ने पानी वानी कुछ भी नहीं लिया साथ में। आज एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ही टूरिस्टी टाइप ऑफ राइड की सोची थी। हमें पता नहीं था हम इतना लंबा चौड़ा मचाने वाले हैं। क्या सचिन बहुत मचा लिया। और कहीं पे भी नहीं पहुँचे अभी तक, बारिश भी नहीं मिला, बारिश भी नहीं मिला और कहीं पहुँचे भी नहीं हम लोग। कहाँ पर है हम लोग, बॉम्बे से दूर है, बॉम्बे के पास है, बॉम्बे से दूर है। और ओके तो हम लोग आगे 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 जाते जा रहे हैं, हम लोग इगतपुरी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपर वैतर में। ओके हाइड्रेटेड आर्सेल्स और अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, पानी पी के बहुत अच्छा किया, आई वॉज कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड। वाओ ऑल दिस व्यूज मेक इट वर्थ इट। अच्छा है हम लोग बस माइंडलेसली बस घूम रहे हैं। खाने की जगह, हम लोग आ गए अभी यारा दा ढाबा पे, कुछ थोड़ा खा पी के लेंगे। अभी सुबह के 10:30 बजे और हम लोग ऑलरेडी चिकन और रोटी खा रहे हैं क्योंकि हमें पता है बाद में कुछ नहीं मिलना है। और इधर से वापसी का रास्ता एटलीस्ट 4 घंटा हो जाएगा मेरे को लगता है। हाँ सचिन ठीक है, तो यहीं पे खा पी के निकलते हैं भैया। क्या खाना बहुत अच्छा था, बहुत लजीज था और बेस्ट होम कुक टाइप का था एकदम। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी ये एमलेसली घूमने वाली जर्नी सचिन के साथ पसंद आई होगी। और मैं चाहता था कि बिफोर आई हिट द हाईवे आप लोगों को अच्छी यादों के साथ ही छोड़ूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अभी बैठ करके हाईवे का वापस रिटर्न जर्नी दिखाऊं। सो ऑन दैट नोट, इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, इफ यू हैव लव द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इनफैक्ट डोंट हिट द सब्सक्राइब बटन, स्मैश इट।